आयशा गुलालई के बाद आयशा अहद मलिक पीटीआई शरीफ खानदान की मुबैना बहू को ले आई। आयशा अहद कहती हैं, क्या मियां साहब अपने घर की बहू के लिए भी कमेटी बनाएंगे? मेरे पास भी एसएमएस हैं, इलेक्शन कमीशन जाऊंगी, कुलसूम नवाज और बाकी सबको बुलवाऊंगी। आयशा अहद खामोश हुई तो कप्तान बोल उठे। आयशा अहद ने हमजा और शहबाज पर संगीन इल्जाम आयद किए। नए वजीर आजम का पहला इम्तिहान शुरू हो गया, इमरान खान की ट्वीट। आयशा अहद से हमदर्दी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी अकेली और पीटीआई स्पॉन्सर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस का फर्क आवाम ने देख लिया। आयशा अहद को सियासी मकासद के लिए सामने लाया गया, एहतसाब करना है तो परवेज खटक का करें। आयशा गुलालई का नया बयान। बरतानवी वफद का दौरा, दफ्तर खारजा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खराब सूरत हाल पर ब्रीफिंग, भारतीय मजालिम से भी आगाह किया गया। और सियासी बेयकीनी और वजरा की तब्दीली, कराची में मेगा मंसूबे इल्तवा का शिकार, ग्रीन लाइन मंसूबा पर वक्त मुकम्मल ना होने का खदशा, लियारी एक्सप्रेसवे की लागत भी बढ़ गई।